गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। सो फाइनली हम लोग अपनी स्पीति ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 9:05। हमारा प्लान था कि हम 3 बजे निकलेंगे, बट कुछ काम की वजह से मैं सो नहीं पाया, और बिना नींद पूरी करे निकलने का कोई बेनिफिट नहीं था कि अगर पूरे रास्ते नींद आती रहे या आपको ड्राइविंग में कुछ इम्पैक्ट हो। इसलिए हम आराम से फुल रेस्टेड मोड में अभी 9:00 निकल रहे हैं। मैं आई एम फुल्ली रेस्टेड। तो अभी बस जल्दी से घर से बाहर जो शॉप है वहाँ से मेरी वाटर बॉटल्स की क्रेट थी वो मैंने कल खरीद ली थी, वो गाड़ी में रखवाते हैं। मंदिर में भगवान से अपनी यात्रा की सफल कामना करते हैं और फिर फाइनल निकलते हैं। यहाँ से मैं जो देख रहा हूँ होस्टलियर कुफरी, होस्टलियर थियोग, वो यहाँ से दिखा रहा है 8 घंटे का रास्ता। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो जी, मंदिर में भी हमने भगवान से अपनी सफल यात्रा की कामना कर ली है। फाइनली वी आर गुड टू गो। टाइम 9:13 हो गया है निकलते निकलते, इवन दो आई वॉन्टेड टू लीव बाय 8, बट चलिए जी कोई नहीं। अब यहाँ से जो रास्ता है वो है 8 घंटे का। बीच में कुछ मुझको कॉल्स लेनी पड़ेंगी, कुछ ऑफिस का काम है, तो प्रोबेबली हम शाम को 7-8 बजे तक पहुँचेंगे। जय श्री कृष्णा, हमारी यात्रा सफल करना। चलिए जी, हमने ट्रिप मीटर कर लिया रीसेट और हम अपनी जर्नी पर निकल गए हैं। यहाँ से अब मैं नोएडा से लूँगा सबसे पहले पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जहाँ से मैं मुरथल तक जाऊँगा, देन वहाँ से चंडीगढ़ वाला हाईवे लूँगा, और चंडीगढ़ से हम फिर शिमला और उसके बाद कुफरी थियोग वाला रास्ता लेंगे। वैसे एक बात तो है, जो मेरठ एक्सप्रेसवे है ये बन रहा था जब तो काफ़ी परेशान कर रहा था, क्योंकि जाम लग जाता था यहाँ पे। गाज़ियाबाद हापुड़ से आने वाले काफ़ी लोग हैं ना, तो ये मेरे को ऑफिस तक जाने में भी इतना टाइम लग जाता था। पर अब जो भी ये बन गया है ना, तो ऐसे 4 लेन का मेन एक्सप्रेसवे है, उसके साइड में 4 लेन का सर्विस लाइन है, तो अब बेसिकली काफ़ी चौड़ा रोड बन गया है। तो अब अगर आपको हरियाणा जाना है, चंडीगढ़ साइड जाना है, मतलब कहीं भी जाना है, तो आपको दिल्ली की साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नोएडा से सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे लीजिए और वहाँ से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, आपको कहीं भी दिन में किसी भी टाइम निकल सकते हैं। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, मैं जनरली ये करता था कि इवन तो चाहे सोया ना हूँ पर मैं सुबह जल्दी निकलता था कि दिल्ली जो है वो 40-45 मिनट्स में पार हो जाएगा, क्योंकि अगर वही का वही दिल्ली अगर आप 9 बजे पार करने की कोशिश करोगे तो उसमें 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो अब इस रोड की वजह से ये वाली चीज़ें सब कुछ सॉल्व हो गई हैं, सो आई एम लविंग इट। इसीलिए मेरे को टेंशन नहीं थी कि सुबह में लेट भी हो रहा था तो कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पेरिफेरल पे जो जाने वाले जो ट्रैफिक है वहाँ पर जैम नहीं मिलेगा। मैं ईजिली अपना मुरथल तक पहुंचने में मुझे वही 1-1.5 घंटा लगेगा अगर मैं दिल्ली के थ्रू जाऊं या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू जाऊं। सो दैट्स द गुड पार्ट, मतलब डेवलपमेंट तो हो रही है रोड इंफ्रा में। तो आई एम सीइंग कि हर जगह रोडों की क्वालिटी, नए एक्सप्रेसवे, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। सो जिन लोगों को ड्राइविंग का शौक है, राइडिंग का शौक है, उनके लिए अच्छा है। ओनली बैड पार्ट इज इन अच्छे वाले रोड्स पे बाइक्स अलाउड नहीं है, तो मे बी फ्यूचर में प्रॉब्ली हायर कैपेसिटी बाइक अलाउ कर दें तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। सो जी, वर्क इज डन और हम दोबारा से निकल गए हैं अपनी जर्नी पे। सो जी, पहला टोल प्लाजा आ गया है, थोड़ी देर में हम एग्जिट ले लेंगे चंडीगढ़ वाले रास्ते के लिए। पता नहीं गाड़ी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर आए, एप्पल का माल लोड करके लाए थे, एप्पल वाली ब्लूटूथ है, देख ले कंप्लीट। एप्पल का माल मिल रहा था भाई बहुत सस्ते में। ट्रक ड्राइवर एप्पल का माल लोड करके लाए थे और सस्ते में बेच रहे थे। ये वाले स्कैम्स भी आपको मिल जाएंगे टोल वोल पे, जो रेप्लिका वगैरह होते हैं ना, तो वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको, तो प्लीज बी अवेयर। ये मैंने पहली बार नोटिस किया कि यहाँ पे हेलीपैड भी बना रखा है, आई गेस किसी इमरजेंसी सर्विस के लिए। बीच में सर्कल विद एच था तो यहाँ पे कुछ हेलीपैड टाइप्स बना रखा है कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। तो जी, यहाँ से हम चढ़ गए हैं नॉर्मल दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। सो आगे जाके लेफ्ट में मुरथल आएगा जहाँ पे वो सारे फेमस ढाबे हैं, तो प्रॉब्ली अगर जब तक हमें भूख लगी तो वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो थोड़ा सा और कंटिन्यू करके आगे कहीं रुकेंगे। मैंने सुबह बहुत हल्का सा ब्रेकफास्ट किया था तो थोड़ी भूख तो लगी हुई है, अभी टाइम हुआ है 11:00। सो ये आ गए हैं जी यहाँ के फेमस ढाबे, अमरिक, सुखदेव, गरम धर्म, ये सब एक साथ लाइन से आते हैं यहाँ पे। अभी गरम धर्म पे तो कम ही लग रही है पब्लिक, सो जनरली क्योंकि दिन का टाइम है ना, मॉर्निंग में इवनिंग में, क्योंकि लोकलाइट्स दिल्ली के, गुड़गांव के, वो लोग भी चिल करने के लिए यहाँ पे मुरथल आ जाते हैं कि एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और डिनर या ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जी, अभी यहाँ से जो हमारा रास्ता है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे का रह गया है होस्टल का, तो हम कुछ 2-2.5 घंटा और राइड करेंगे, फिर हम लंच ब्रेक लेंगे। सो अभी हमने एक PN स्क्रैच ब्रेक लिया था,
एक्चुअली धूप तो तेज है पर हवा ठंडी चल रही है, तो यहाँ पे अगर आप छाया में खड़े हो ना तो आपको गर्मी नहीं लग रही। वहाँ पे हमारी बेबी खड़ी है और इतने दिन बाद गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूँ ना, तो उसमें अलग फील आ रही है। इट्स गुड, मतलब बाइक पे अपना मजा है, गाड़ी में अपना मजा है। गाड़ी में अभी हम आराम से चिल कर पा रहे हैं, बीच में काम करना था तो आई विल कीप द कार रनिंग, एसी चल रहा है, तो मुझे ये नहीं कि कोई जगह ढूंढने की जरूरत है जहाँ पे इंटरनेट सही से आ रहा हो, मैं वहाँ पे कॉल वॉल ले पा रहा हूँ। सो दैट्स द गुड पार्ट। अभी 2 मिनट और स्ट्रेच करते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू। तो जी यहाँ से हमने डाइवर्जन ले लिया है, हमने मेन रोड जो है वो छोड़ दिया है जो हमारा चंडीगढ़ जा रहा था, यहाँ से डाइवर्जन ले लिया क्योंकि आगे वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये पंचकुला कनेक्ट हो जाएगा अम्बाला से पहले ही। ये राइट में टर्न मुड़ गया है, सो आपके लिए भी लर्निंग है। अगर आप नॉन ऑफ आवर्स में जा रहे हो तो ठीक है, वहाँ से भी निकल सकते हो, पर जिस टाइम पे हम चंडीगढ़ पार करेंगे वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए इट्स बेटर कि हम ये वाला रास्ता लें। यहाँ पे एकदम डिफरेंट वाली खेती हो रखी है, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक, जस्ट लुक एट दिस, जहाँ तक आप देख पा रहे होगे सनफ्लावर की खेती हो रखी है, मतलब जहाँ तक नज़रें जा रही हैं। पहले मेरे को लगा सरसों है, फिर मैंने पास से देखा, क्योंकि एक स्पेशल बात होती है कि सनफ्लावर ना हमेशा सन की डायरेक्शन में रहता है, ऐसा मैंने सुना था। तो अभी तो सन ऊपर है पर ये किसी और ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, मे बी कुछ रीज़न होता होगा। मैं रोड के साइड में पास से देखने के लिए आया था। चलिए जी अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं सोच रहा ड्रोन शॉट लूँ, पर ऊपर हाई टेंशन वायर है तो वो थोड़ा सा इंटरफेयर करती रिमोट के साथ भी, और जनरली इसके नीचे मैं प्रेफर भी नहीं करता उड़ाना। तो चलिए जी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। हम पहले जहाँ पे खेती हो रखी थी सनफ्लावर्स की, हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, फिर मुझे लगा कि लेट्स वेट हियर और एक बार ड्रोन शॉट्स लेते हैं, इवन दो विंड बहुत तेज है और जो डायरेक्शन थी वो अनुकूल नहीं थी शॉट लेने के लिए, पर हमने शॉट लिया। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो जी हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे तो शिमला वाले मेन रोड पर आ जाएंगे और कुछ ही देर में हमें पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। सो टाइम हुआ है 3:20, अभी यहाँ से राइट लेते हैं, बस भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि शिमला में जनरली बहुत जाम मिलता है, मतलब शिमला के सेंट टू सेंट में 1 घंटा लग जाता है, वो जैम ना मिले, क्योंकि पहाड़ों में भी जैम में खड़े रहने में मज़ा नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से पहुँच जाऊँ थियो हॉस्टलर, ताकि थोड़ा सा हॉस्टल में चिल कर पाएँ प्रॉब्ली इवनिंग में, और आज का वीडियो भी मेरे को एडिट करके अपलोड करना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। सो जी वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। And just look at the views all around. So it's 6:30. अभी मैं ऑफिस की कॉल से फ्री हुआ हूँ। यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो हॉस्टल का है वो ऑलरेडी 3 आवर्स का है, सो काफ़ी लेट हम 10 o'clock तक पहुँचेंगे। अभी खींचते हैं, बट जस्ट लुक एट दिस, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। देयर्स आवर बेबी, कार में था तो एसी चला गया, आई वॉज एबल टू वर्क, कोई इशू नहीं था। तो जल्दी से अब गाड़ी में बैठते हैं, 3 घंटे नॉनस्टॉप चलाते हैं ताकि हम 10 बजे तक पहुंच जाएं, वहां पर डिनर करेंगे और धीरे धीरे आपको बाकी लोगों से मिलवाएंगे। बस कोशिश ये करूंगा कि आज का व्लॉग आज ही आ जाए। सो हम अपनी ट्रिप की लास्ट लेग पे निकल चुके हैं, अब यहां से कुछ 3 घंटे का रास्ता बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 98 किलोमीटर्स टू द हॉस्टल। ऑफिस के काम की वजह से, बैक टू बैक कॉल्स की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया रास्ते में, बैठ के मैं काम कर रहा था, बट अभी हम ऑल फ्री, सो हम 3 घंटे का एक लंबा स्ट्रेच मारते हैं और सीधा हॉस्टल जाके वेट करेंगे। जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि शिमला में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जनरली वहाँ थोड़े जैम्स मिलते हैं। बाकी इस प्रॉब्ली 15-20 मिनट और GoPro पे अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड, और बाहर का भी कुछ व्यू नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो सीधे अगर कुछ रास्ते में इंटरेस्टिंग होता है तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो आपको मिलेंगे हॉस्टल में। अभी हमने शिमला से पहले वाला टोल क्रॉस किया है, यहाँ से कुछ 2.5 घंटे का रास्ता है हमारे हॉस्टल का। शिमला यहाँ से अराउंड 40-45 किलोमीटर्स है, और उसके बाद आई गेस 30 किलोमीटर्स और आगे है मेरा हॉस्टल। जल्दी से अपना डिस्टेंस कवर करते हैं और पहुँचते हैं।
जस्ट लुक एट द सनसेट। सो अभी हम एक ब्रेक के लिए रुके थे, जस्ट लुक एट दिस व्यू, कितना अमेजिंग लग रहा है ना। जल्दी से अपना छोला कुलचा खाते हैं, पहाड़ों पे अगर छोला कुलचा नहीं खाया तो कोई फायदा नहीं है, ये खाते हैं और जल्दी जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आई एम वेरी लेट। तो जी अपना छोला कुलचा खा के हो गया है, अब जल्दी से निकलते हैं। मैं अभी कुछ एनर्जी ड्रिंक देखने गया था पर अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं था अभी, और बाहर उतरा था ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मैंने अंदर बैठ के रियलाइज नहीं करा कि बाहर ठंड हो गई है, मैं टी शर्ट में हूँ, मतलब यहाँ पहाड़ों वाला टेम्परेचर है। तो शाम के टाइम तो अभी ठंड है, ठंडी हवा चल रही थी प्रॉब्ली, मतलब 8 बजे आपको जैकेट वैकेट या कुछ हल्का सा वार्मर टाइप चाहिए होगा। चलिए जी जल्दी से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। देखो पूरा मार्केट ऐसे दिवाली टाइप में सजा रखा है, आई एम नॉट श्योर ऑफ द रीजन, कोई लोकल एरिया से उसको पता हो, क्योंकि ये तो मार्केट है, शुरू में एंट्री प्रॉपर गेट बना के काफ़ी लाइटें वाइटें लगा रखी थी यहाँ पे, तो कोई ऐसा लोकल फेस्टिवल होता है जो हम लोगों को नहीं पता, अगर ऐसा कुछ है कि कोई लोकल फेस्टिवल होता है ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिस भी भाई को पता हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये पूरा शहर सजा रखा है। अगर मैं सामने भी दिखाऊँ ना तो ये लाइटें पूरे शहर में लगी हुई हैं, पूरे मार्केट में लगी हुई हैं। सो कुछ तो है स्पेशल, ऐसा नहीं है कि एक दो दुकान की बात हो, पूरे मार्केट में ऊपर लाइट लगी हुई है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे कुछ पता चलेगा तो। गाइस जस्ट लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे तारे से टिमटिमा रहे हैं। हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं, यहाँ से हॉस्टल सिर्फ आधे घंटे का रास्ता बचा है। सो जी हम शिमला पहुंच गए हैं, शिमला क्रॉस कर रहे हैं अभी, यहाँ से कुछ 30 मिनट्स का रास्ता और बचा है हमारा, वो भी जल्दी से कवर करते हैं। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया है और ऐसा कुछ दिखाने का नहीं है, तो जल्दी से हॉस्टल पहुँचते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। सो जी 405 टाइम हुआ है 9:43 और हम पहुँच गए हैं हॉस्टलर, देयर इट इज़। तो जल्दी से चेक इन करते हैं और मैं ट्राई करता हूँ अगर आज का वीडियो मैं आज ही एडिट करके अपलोड कर पाया तो, लेट्स सी। सो वीडियो एडिटिंग हमने क्लोज कर ली है, टाइम हुआ है 12:15 और लेट मी शो यू क्विकली, ये हॉस्टलर कुफरी का रिसेप्शन एरिया है पूरा, डिटेल में मैं आपको कल दिखाऊंगा, तो अभी इस वाले वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। सो थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे, दिस इज अमन गॉड साइनिंग ऑफ।